दोस्तों द ग्रेट थॉट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी तक हमने संगम काल के बारे में पढ़ा है दोस्तों, और यह हमारा तीसरा लेक्चर संगम काल के ऊपर होने वाला है। सबसे पहले हमने संगम काल में पढ़ा था ये कब से कब तक रहा। जी हाँ दोस्तों, संगम काल हमारा 100 ईस्वी से 250 ईस्वी तक रहा, और हमने संगम काल में जितने भी संगम हुए, तीन संगम हुए थे उस समय, उन संगम के बारे में बात की थी। और उसके बाद आया था हमारा संगम काल के राज्य। जी हाँ दोस्तों, उसमें भी हमारे संगम काल के तीन राज्य हुए, जिसमें था पहला चेर राज्य, दूसरा था हमारा पांड राज्य, तीसरा था हमारा चौल राज्य। जी हाँ दोस्तों, उन राज्यों के बाद हमने तीनों जो है वंशों के बारे में बात की। जी हाँ दोस्तों, चेल वंश और पांड वंश और चौल वंश। जी हाँ दोस्तों, चेर वंश, पांड वंश और हमारा चौल वंश, दोस्तों हमने तीनों वंशों के बारे में बात की। अब हम बात करने वाले हैं संगम काल के आगे की बात करने वाले हैं हम दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें हम आज देखेंगे संगम काल, कालीन व्यापार और संगम काल के दौरान जो जाति व्यवस्था थी, कास्ट की व्यवस्था, उसके बारे में, और संगमकालीन धार्मिक जीवन। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था उस समय में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और संगमकालीन बंदरगाह, जी हाँ दोस्तों, जो पोर्ट होते हैं जहाज के लिए, उनकी बारे में हम बात करने वाले हैं। और संगमकालीन साहित्य के बारे में भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट सारी मिल सके समय से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अपने स्क्रीन के ऊपर संगमकालीन व्यापार। जी हाँ दोस्तों, संगमकालीन व्यापार के बारे में बात करें तो संगम काल में रोम से सर्वाधिक व्यापार होते थे। जी हाँ दोस्तों, जो रोम देश है उसी देश से सबसे ज़्यादा संगम काल में व्यापार हुआ करता था। और तमिलनाडु के अरिकामेडु, मतलब कि तमिलनाडु के अरिकामेडु मतलब कि जिसका नाम अब पौंडीचेरी है, वहाँ से रोम का सर्वाधिक व्यापार होता था। और संगम काल के दौरान जाति व्यवस्था की बात की जाए दोस्तों, तो संगम काल में उत्तर भारत के विपरीत जाति व्यवस्था थी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत के विपरीत वहाँ पर जाति व्यवस्था थी। यहाँ सामंत तथा दास में समाज बटा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, वहाँ दोस में भागों में समाज बटा हुआ था, एक तो सामंत और दूसरे थे दास। और यहाँ वर्ण व्यवस्था या उच्च नीति की नीच की जाति व्यवस्था नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जो वर्ण व्यवस्था मतलब कि कास्ट की जो व्यवस्था थी, स्वर्ण नीच वगैरह ये कुछ नहीं था, या उच्च नीच की जाति की व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी। और दोस्तों संगम काल के धार्मिक जीवन की बात की जाए तो संगम काल में सबसे प्रमुख देवता मुरुगन थे। जी हाँ दोस्तों, संगम काल में सबसे प्रमुख देवता उनके मुरुगन थे, और जिन्होंने वर्तमान में सुब्रमण्यम कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो उस समय संगम काल में देवता जो थे सबसे प्रमुख, वो मुरुगन थे, उनको ही वर्तमान में सुब्रमण्यम कहा जाता है। और दूसरे प्रमुख देवता जो थे वो कार्तिकेय थे। जी हाँ दोस्तों, गणेश जी के भाई जो हैं वो शिव जी के पुत्र, उन्हीं वो वहाँ पर दूसरे प्रमुख देवता थे उस समय संगम काल में। संगम काल के जो है बंदरगाह की बात की जाए दोस्तों, तो संगम काल के जो तीनों वो थे वंश, उनमें जो है सबके अलग अलग अपने बंदरगाह थे। जैसे कि हमने बात की, उसमें चेर वंश था, चौल वंश था हमारा, और एक था तीसरा हमारा पांड वंश। तो दोस्तों इन तीनों ही वंशों के अपने अपने बंदरगाह थे। पहला था चौर बंदरगाह, जो कि बंदर चौर में चेर में था। जी हाँ दोस्तों, बंदर चेर में ये बंदरगाह था, और चौल बंदरगाह था। दूसरा हमारा वो था पुहार तथा उरई में ये बंदरगाह हमारा था। और हमारा तीसरा था पांड बंदरगाह, ये था सालियूर एवं कोरकाय में, ये हमारा बंदरगाह था दोस्तों। संगमकालीन के साहित्य की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, संगमकालीन के साहित्य जो था वो तमिल भाषा में लिखे गए। जी हाँ दोस्तों, संगम के साहित्य थे वो तमिल भाषा में लिखे गए थे, इन्हें तमिलकम या द्रविड़ साहित्य भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हें जो है तमिलकम या द्रविड़ साहित्य भी कहा जाता है, जो निम्नलिखित है। जी हाँ दोस्तों, पांच साहित्य इसमें हुए थे। पहला था लोक तोलकापियम। जी हाँ दोस्तों, पहला था तोलकापियम, इसका संबंध व्याकरण से है। और दूसरा था तिरुकुराल। जी हाँ दोस्तों, तिरुकुराल जो था, और या उसको कह सकते हैं कुराल। जी हाँ दोस्तों, तिरुकुराल या कुराल, इसे तमिल साहित्य का बाइबल मतलब कि एंजल बोलते हैं इसको। और तीसरा था हमारा जीवक चिंतामणि। जी हाँ दोस्तों, तीसरा था हमारा इसमें साहित्य
जीवक चिंतामणि, इसका संबंध जैन धर्म से है। और चौथा था सिल पादिकारम। जी हाँ दोस्तों, चौथा था हमारा सिल पादिकारम और इसका संबंध भी हमारा जैन धर्म से है। और इसमें नुपुर मतलब कि पायल, पायल मतलब कि जो पैर में पहनने वाली पायल होती है, उसकी कहानी से है इसका संबंध। जी हाँ दोस्तों, तो कहानी पढ़ते हैं। तो राजा राजा कोवलम अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़कर माधवी नामक नर्तकी से प्रेम में फंस जाता है और अपने धर्म को लुटाने के बाद उससे पश्चाताप होता है और अपनी पत्नी के पास लौट आता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक राजा था कोवलन, अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़कर कोई नर्तकी थी माधवी, उसके प्रेम जाल में फंस जाता है और अपने धर्म को लुटाने के बाद उसे पश्चाताप होता है और अपनी पत्नी के पास वह लौट आता है। और उसकी पत्नी कन्नगी जो थी, उसे अपना एक पायल दिया। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, नुपुर पायल को कहते हैं। उसने अपना एक पायल दिया जिसे बेचकर उसने मदुरे में व्यापार प्रारंभ किया, लेकिन कोवलम जो था उस पर मदुरे की रानी का पायल चुराने का आरोप लगा दिया गया और उसे फांसी दे दी गई। और कोवलन की जो पत्नी कन्नगी थी, जिसने पायल दिया था कोवलन को अपना, उसने श्राप दे दिया था जिससे मदुरे शहर जो था वो नष्ट हो गया। और पांचवा साहित्य इसमें आता है हमारा दोस्तों मणिखेकले। जी हाँ दोस्तों, मणिखेकले इसमें पांचवा साहित्य आता है। इसका संबंध भी बौद्ध धर्म से है। इसमें कोवलन तथा माधवी से उत्पन्न संतान जो थी वो मणिमेखलम। जी हाँ दोस्तों, मणिमेखलम जो संतान थी इनकी, उसकी चर्चा है, जिसने अंत में बौद्ध धर्म अपना लिया। जी हाँ दोस्तों, जिसने अंततः मतलब कि अंत में बौद्ध धर्म अपना लिया दोस्तों। तो ये था हमारा संगम काल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। ऐसे ही आपके लिए टॉपिक में लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।